जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों इस वक्त की बड़ी खबर आप लोगों को बता रहे हैं, जबलपुर नैनपुर बालाघाट गोंदिया चांदा फोर्ट रेल मार्ग पर चलने वाली जबलपुर चांदा फोर्ट जबलपुर त्रि साप्ताहिक एक्सप्रेस का एक अतिरिक्त स्टॉपेज बढ़ाया गया है। चलिए आप लोगों को बताते हैं पूरी खबर, लेकिन उससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हो तो भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जबलपुर गोंदिया रेल मार्ग पर वर्तमान में संचालित की जा रही जबलपुर चांदा फोर्ट जबलपुर त्रि साप्ताहिक एक्सप्रेस का नागबीर जंक्शन में स्टॉपेज दे दिया गया है। ये जबलपुर से चांदा फोर्ट और चांदा फोर्ट से जबलपुर हफ्ते के तीन दिन मंगलवार गुरुवार और शुक्रवार को चला करती है। ट्रेन का स्टॉपेज 15 अगस्त 2023 से लागू हो चुका है। देखिए रेलवे प्रशासन द्वारा यात्रियों की मांग व उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर मंडल के अंतर्गत नागबीर रेलवे स्टेशन में ट्रेन नंबर 221742173 जबलपुर चांदा फोर्ट जबलपुर एक्सप्रेस के ठहराव की सुविधा दिनांक 15 अगस्त 2023 से प्रदान की जा चुकी है। ट्रेन की नई समय सारणी इस प्रकार है। देखें ट्रेन नंबर 221742 जबलपुर चांदा फोर्ट त्रि साप्ताहिक एक्सप्रेस जबलपुर से सुबह 5:15 पर चलकर नागबीर सुबह 11:46 पर पहुंचेगी और 2 मिनट का हॉल्ट लेकर नागबीर से 11:48 पर रवाना होगी। नई समय सारणी आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। इसी तरह ट्रेन नंबर 221732 चांदा फोर्ट जबलपुर त्रि साप्ताहिक एक्सप्रेस चांदा फोर्ट से दोपहर 2:50 पर चलकर नागबीर 4:19 पर पहुंचेगी और 2 मिनट का हॉल्ट लेकर नागबीर से 4:21 पर रवाना होगी। नई समय सारणी आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। दोस्तों इस प्रकार काफी लंबे समय बाद जबलपुर चांदा फोर्ट जबलपुर त्रि साप्ताहिक एक्सप्रेस का नागबीर में स्टॉपेज दिया गया है। हालांकि अभी भी इस ट्रेन के स्टॉपेज बढ़ाने की सख्त जरूरत है। जबलपुर से लेकर नैनपुर बालाघाट गोंदिया चांदा फोर्ट तक इस पूरे रेल मार्ग में ऐसे बहुत से महत्वपूर्ण स्टेशन है जिन पर इस ट्रेन का स्टॉपेज दिया जाना जरूरी है और इसके साथ ही ट्रेनों के लिए लतीफी पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। जबलपुर चांदा फोर्ट जबलपुर एक्सप्रेस ही हमेशा 3 से 4 घंटे की देरी से चलती है, जबकि ट्रेन के 470 किलोमीटर में केवल 7 स्टॉपेज दिए गए हैं और वो भी केवल जंक्शन टू जंक्शन रेलवे स्टेशनों पर रुकती है। कम स्टॉपेज और हमेशा लेट चलने के कारण यह ट्रेन दोनों ओर से अधिकतर खाली चलती है। रेल प्रशासन को इस विषय में ध्यान देना चाहिए और चीजों को सही करना चाहिए। खैर चलिए फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर से कीजिएगा, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। और इसके साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हो तो भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।